हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू सेव आर मोबाइल डेटा। इट मीन जब भी हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमें विद इन 20 मिनट्स में एक मैसेज आता है कि आप अपना 1.2 GB डेटा कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके साथ ये दोबारा ना हो इसके लिए हम देखेंगे कि अपने फ़ोन का डेटा कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, विंडो बटन में जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और जो आपको आप सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एडवांस ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए और जब आप यहाँ पे देखिएगा अपने विंडो 10 में ये सारे आपको ऑन मिलेंगे। इस टाइप के आपके विंडो 10 में होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आप सारा को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। हम सेकेंड स्टेप पर जाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर सर्च करेंगे। अगर आपके पास डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर। इट मे टेक सम टाइम। देखिए ये हमारा खुल चुका है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। ठीक है, जैसे आप सेटिंग्स में जाइएगा यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आपको ऑन मिलेंगे। ये आपके विंडो 10 में जब भी आप क्लिक करके देखिएगा तो ये ऑन रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आप सारे ऑप्शंस को ऑफ कर दीजिए, तीनों ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हम आपको थर्ड स्टेप बताएंगे कि आप अपना डेटा को कैसे सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सर्च बार में जाके सर्विस सर्च कीजिए। तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर दिस पीसी में क्लिक कीजिए, दिस पीसी में आपको क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए मैनेज में जाइए। देखिए सर्विस एंड एप्लीकेशंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्विस पे डबल क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे विंडो अपडेट में जाना है। ये देखिए आपको विंडो अपडेट यहाँ पे दिख रहा है, तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, क्लिक कीजिए। जब भी आप यहाँ पे देखिएगा आपको ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल कर देना है और ओके कर दीजिए। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताएँगे फोर्थ स्टेप कि कैसे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर विंडो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग में जाइए और आपको फिर से यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है और एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये जो आपको डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और ये आपको ऑप्शंस ऑन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ऑफ कर देना फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।